राम राम जी। मोक्ष पुजल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, मैं दस बहुत ही अच्छी एक योजना लेके आए हैं। वह योजना के अंदर ही एक योजना वह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज डॉक्टर साहब आपने पूरी डिटेल बताऊंगा कि भाई पेशेंट आवा है तो भी कोपर की तरीका में ये काम करी, सरकार की तरफ के कुछ मिला है भी का बारा मापा जानकारी प्राप्त करांगा। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बुरानिया, डायरेक्टर मेट्रो हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर झुंझुनू। मैडम, ये माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की बहुत ही बढ़िया योजना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जब 2021 में इन्होंने सरकार ने चालू करी थी, तब इसमें शुरुआत में 5 लाख रुपए तक की सीमा थी और उस रुपए तक का इलाज फ्री होता था। 2022-23 के अंदर इसको सरकार ने 5 लाख की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। अभी जो बजट है 2023-24 का, इसके अंदर सरकार ने इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दिया है। कई बार कोई इलाज करवाने में संभव नहीं है, बड़ी बीमारी है, रुपया ज़्यादा लगता है, कई बार अपन प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज इलाज नहीं करवा सकता, तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये दिया गया है। इसके कारण से सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवा सकते हैं मरीज, जो कि पूर्णतया निःशुल्क होता है, उसका एक रुपया भी नहीं लगता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दवाई का, जांचों का किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता है। सर, जब भी हॉस्पिटल में कोई भी मरीज आवे तो के कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आवे? इसमें मरीज को हॉस्पिटल में आने पर अपना जन आधार कार्ड और आधार कार्ड साथ में लाना होता है। उसके जो भी बीमारी होती है उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है वो उसको देखता है। देखने के बाद मरीज को अगर भर्ती की ज़रूरत होती है या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उसमें सरकार ने लगभग 1500-1700 के करीब पैकेजेस दे रखे हैं अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग स्पेशलिटी के, उसके हिसाब से इलाज मिलता है। जिसमें लगभग प्राइवेट हॉस्पिटलों में कम है थोड़े पैकेजेस, गवर्नमेंट में सभी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज के कैंप ज़्यादा दे रखे हैं पैकेजेस। तो इसमें जो भी जन आधार कार्ड जिसका भी चालू है ई मित्र पे जाके चालू करवा सकता है, या अभी जैसे जन आधार कार्ड महंगाई राहत कैंप में चालू हो रहे हैं। बट इसमें यह है कि भाई जो बीमारी है उसका इलाज तभी फ्री होता है जब वो भर्ती करने लायक या ऑपरेशन करने लायक इलाज होता है। ओपीडी या देखना है वो फ्री नहीं है, तो सरकार को हम गुजारिश करते हैं कि वो भी फ्री करे इसमें। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अंतर्गत हम अपना जन आधार ले जा करके और किसी भी राहत कैंप में उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे जो योजना पहले 10 लाख में होती थी अब उसका बेनिफिट हमें 25 लाख रुपए मिलेगा। जन्म मृत्यु विवाह है, इनमें कोई भी परिवर्तन आ रहे हो, सदस्य बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो तुरंत जन आधार कार्ड में जुड़वाओ और थारा आसपास में जो महंगाई राहत कैंप चल रही उनके अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवाओ। वीडियो के माध्यम में देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है बीके बारे में आज आप सरों बातचीत है बा करिया। ये योजनाओं जुड़ेड़ी कोई भी थान जानकारी लेनी है तो 181 के ऊपर फ़ोन करो और बठम थान पूरी जानकारी है बा प्राप्त होगी। साथ में ही मैं डिस्क्रिप्शन है बीके अंदर भी पूरी डिटेल का है साथ में डाल दियो है, और मैं लगातार थान हर वीडियो में बोलन लाग रही हूँ कि थर आसपास में बहुत से जिला में देखो या थर कोई कस्बा में या गांव के अंदर महंगाई राहत कैंप है बैच चाल रही, तो महंगाई राहत कैंप के अंदर थे जाओ, थारो रजिस्ट्रेशन करवाओ। मुख्यमंत्री जी 10 योजना निकाली ही तो थन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ फायदों को उठाना चाहिए, और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इको भी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन है वो करवा दो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।